हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अंडा का मसालेदार भुर्जी का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जैसे ढाबे या रेस्टोरेंट में जैसे वो लोग बनाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखिए लास्ट तक, और जो भी मेरे चैनल को पसंद करते हैं या फिर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज बनाते हैं चटपटा सा अंडा भुर्जी, ठीक है। ये जितना आसान होता है बनाने में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल देसी खाना खजाना बस सरोजनी। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक पैन ले ली। पैन में यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग का ऑयल ले सकते हैं। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे प्याज को मैंने छोटे छोटे कट करके रखे, थोड़ा सा प्याज का क्वांटिटी मैंने थोड़ा ज़्यादा ली है, क्योंकि जो अंडा का भुर्जी बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्याज का क्वांटिटी ज़्यादा होने से थोड़ा सा चटपटा खाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्याज को हम लोग थोड़ा देर फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुकी थी, तो यहाँ पे अभी मैं टमाटर और मिर्ची में एक ही साथ ही मैं यहाँ पे दोनों को ऐड कर रही हूँ। आप लोग मिर्ची का क्वांटिटी हो सके तो, अगर बच्चे हैं तो मिर्ची आप लोग थोड़ा कम कर सकते हैं, वरना आप लोग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ले रही हूँ। इसके बाद कश्मीरी रेड चिल्ली का पाउडर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे चिकन मसाला का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही मसाला। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा जो टमाटर है सॉफ्ट होने तक इसे हम लोग थोड़ा सा पका लेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग ढक के 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग अच्छे से इसे पहले कुक करेंगे। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर जो है और थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी। तो इस वक्त मैं यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा चटपटा बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। तो इससे पहले देखिए, यहाँ पर मैं एक कटोरे में अंडा को फोड़ ली थी। उसके बाद हल्का सा नमक यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसे थोड़ा हम लोग फेंट लेंगे, ठीक है। वैसे भी हम लोग नमक पहले से ऐड कर चुके हैं, तो इसमें हल्का सा नमक आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम लोग फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम लोग फिर से चेक करते हैं कि टमाटर हमारा सॉफ्ट हुआ या नहीं हुआ। तो टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है और अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी जो अंडा हम लोग फेंट के रखे थे, इसे हम लोग इस वक्त ऐड कर देंगे। इसे ऐड कर देने के बाद थोड़ा सा आप लोग इसे इस तरह से मिला लीजिए। मिला लेने के बाद आप लोग ढक्कन को कवर कर दीजिए, ठीक है। कवर करने का 1 से 2 मिनट के बाद आप लोग कवर हटा के इसे अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। इसे अच्छे से मिला लेने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम को आप लोग मीडियम टू लो में रखिएगा और इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो है ना, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग इस तरह से मसाला के साथ आप लोग एक बार अंडा भुर्जी घर पे बनाइए, और इसे रोटी या चावल के साथ आप लोग इसे खा सकते हैं। अक्सर हम लोग जब भी ढाबा जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं, तो कभी कभार हम लोग अंडा भुर्जी खा लेते हैं, है ना। तो क्यों ना घर पे ही एक बार बना के खा लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो देखिए, ये अंडा का भुर्जी हम लोग का बिल्कुल बन के तैयार है। तो मैं ऊपर से यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। धनिया पत्ता ऐड कर देने के बाद इसे हम लोग थोड़ा सा मिला लेंगे। थोड़ा सा मिला लेने के बाद गैस का फ्लेम को मैं इस वक्त बंद कर चुकी हूँ, ठीक है। तो है ना, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार है। तो किसी किसी इस रेसिपी अच्छा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को जो भी रेसिपी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेशन में या मेरा इंस्टाग्राम आईडी में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो जो भी नए आते हैं मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।